हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये बाइनोमियल थ्योरम सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, क्लास 11 के बच्चों के लिए वीडियो है। जो बच्चे 12th के हैं ये आपके काम का नहीं है। 12th वालों का डिफरेंशिएशन चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दो तीन दिन के लिए वीडियो छोड़े हैं, तब तक आप देख के कंप्लीट कर लीजिए। इन्वर्स जैसे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो हटा देंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उसको देख लीजिए। खैर, लौटते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में और एक मोड़ पर लाकर छोड़े थे। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अभी तक आपको नहीं बताए हैं, बता दें बाइनोमियल थ्योरम का जो मेन फॉर्मूला है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, आज करेंगे। देखिए, जहां तक पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग वहां पर जाने थे फैक्टोरियल्स के बारे में, फैक्टोरियल्स के बारे में जाने थे। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आ जाए तो हम लोग समझते थे कि उस नंबर से लेकर एक तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 8 का फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल था। फैक्टोरियल के बारे में एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात सीखे थे कि 0 का फैक्टोरियल हम लोग 2 ले लेंगे, सॉरी ये क्या बोल दिया, 0 का फैक्टोरियल हम लोग 1 ले लेंगे, 0 का फैक्टोरियल 1 ले लेंगे। तीसरा बात हम लोग सीखे थे कॉम्बिनेशन, एन सी आर का फॉर्मूला सीखे थे, जो कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल हुआ करता था। और फिर सीखे थे एन सी एन का वैल्यू 1 होता था, सीखे थे एन सी 0 का वैल्यू 1 होता था। यहाँ तक बात देखी थी। फिर हमारे एक्सपेंशन में हम लोग कुछ सिमेट्री देखे थे, कुछ पैटर्न देखे थे, कुछ हम लोग ऑब्जर्व किए थे। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था, अगर जैसे a प्लस बी पर पावर 7 है, a प्लस बी पर पावर 7 है, तो कुल मिला के इसके एक्सपेंशन में यहाँ जो टर्म्स लिखेंगे, एक्सपैंड करके जो लिखेंगे उनमें कुल मिला के कितना टर्म्स होगा, 8 टर्म्स होगा। जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होता था। अगर पावर में 18 होता तो एक्सपेंशन में 19 टर्म्स होता, पावर में 22 होता एक्सपेंशन में 23 टर्म्स होता। जितना पावर उससे एक ज़्यादा टर्म्स एक्सपेंशन में, ये पहला बात ऑब्जर्व किए थे। दूसरा बात ये ऑब्जर्व किए थे कि एक्सपेंशन में पहले टर्म का पावर घटेगा। कहाँ से घटना स्टार्ट होगा, 7 से घटना स्टार्ट होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दूसरे टर्म का पावर बढ़ेगा, 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक जाएगा। और किसी भी टर्म का जो पावर्स है ना, a और b पर पावर जोड़ेंगे तो पावर 7 आएगा हर बार, a और b पर पावर जोड़ने पर हर बार पावर 7 आएगा। इतना हम लोग ऑब्जर्व किए थे, सारे टर्म्स के बीच में प्लस था। और कोफिशियंट्स को लेके भी खास बात हम लोग को पता चला था, और वो पास्कल्स ट्रायंगल से पता चलता था। आइए एक बार पास्कल्स ट्रायंगल आपके लिए बना दे, पास्कल्स ट्रायंगल में यहां पर अगर 1 है, यहां पर 1, यहां 2 और यहां 1 था। फिर क्या था, हर दो टर्म्स को जोड़ के नीचे बुलाता था। किनारे में तो वन होगा, ऊपर वाले दोनों टर्म्स को जोड़कर जितना आएगा वो यहां लिखेंगे। 2 प्लस 1 आ जाता था 3। किनारे में तो वन होगा लेकिन ऊपर वाले दो नंबर्स को जोड़ के जो आएगा वो यहां लिखेंगे, 4, 6, 4। किनारे में तो वन होगा लेकिन ऊपर वाले दो नंबर्स को जोड़ के जो आएगा वो यहां लिखेंगे, 5, 10, 5। नहीं, यहां तो 10 होगा ना, 5, 1। एक और लिखते हैं, हमको जहां तक ध्यान है कि हम पावर 5 तक ही करके छोड़े थे, 6 वाला आपको करने के लिए दिए थे। अच्छा, ये पास्कल्स ट्रायंगल में जो नंबर लिख रहे हैं वो क्या है,
पास्कल ट्रायंगल में ये जो नंबर्स लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, वो टर्म्स का कोफिशियंट है। टर्म्स का कोफिशियंट है किस, कौन सा टर्म? तो जो एक्सपेंशन करते हैं ना हम लोग, ए प्लस बी पे पावर 3 या ए प्लस बी पे पावर 4 या ए प्लस बी पे पावर 5, इसका एक्सपेंशन जो करते हैं, खोलते हैं, तो जितना भी टर्म्स आता है उनके वेरिएबल के आगे जो नंबर है वही है ये। तो इस हिसाब से अगला जो होगा, एक तो किनारे में आना है, एक प्लस 5 कितना होगा 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, यहां पर 15, यहां पर 6, ये आ गया कोफिशियंट अगले वाले का, पावर 6 वाले का आ गया। तो ये हम आपको होमवर्क दिए थे, कुछ लोग भेजे थे बनाकर हमको, बहुत बढ़िया। a प्लस बी, अगर आपको a प्लस बी पे पावर 6 मिला, a प्लस बी पे पावर 6 मिला, इसको एक्सपैंड करना है, थोड़ा तेज करेंगे, लेकिन पहले हम आपको समझा दें क्या क्या बात होगा। पावर 6 है तो एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होगा, 7 टर्म्स एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होगा। दूसरा बात, a का पावर घटेगा 6 से लेकर। तीसरा बात, b का पावर बढ़ेगा 0 से लेकर। और कोफिशियंट जो है ये काला वाला हम लोग बैठा देंगे। आओ करते हैं, a का पावर घटा रहे हैं, a का पावर 6, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। b का पावर बढ़ाएंगे कहाँ से, 0 से। b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4, b का पावर 5, b का पावर 6। और अब कोफिशियंट, ये जो काला वाला इंक से लिखे हैं, कोफिशियंट बैठा देते हैं। कोफिशियंट अलग से दिखलाने के लिए हम लाल रंग से लिख लेते हैं उसको। 1 यहाँ 1 लिखना है, लिख दिए। यहाँ 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर अगेन 15, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। बीच में सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड। समेट के लिखते हैं, समेट के आखिरी बार लिखते हैं इसको। 1 तो 1 ही है, b का पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए का पावर 6 इंटू 1, ये आ जाएगा a का पावर 6। b का पावर 1 यानी कि b, तो ये हो गया 6, a का पावर 5 इंटू बी, ये दिख तो रहा है, थोड़ा सा वीडियो से बाहर चला गया था, इसको हम सेट कर लिए हैं, अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, अब ये है अगला 15, a का पावर 4 बी स्क्वायर, फिर है 20, a का पावर 3 b का पावर 3, फिर है 15 a स्क्वायर b का पावर 4, फिर है 6 a b का पावर 5, और है a का पावर, नहीं ये है b का पावर 6। लीजिए, ये आ गया a प्लस बी पे पावर 6। आप देखिए कि आपको कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट चीज सिखाया गया है यहां पर। हाँ, तो आप पाएंगे कि आपको एक्सपेंशन के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया है। a प्लस बी पे पावर 6, अगर आपके पास ये तरीका नहीं रहता तो बहुत मुश्किल होता ये फाइंड करना। a प्लस बी का स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर उसको क्यूब करते हैं, या फिर स्क्वायर 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 करके तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत झंझट हो जाता है। उसके बजाय ये 10 सेकंड का काम है, तुरंत अगर आपको चीज़ पता है तो तुरंत डालनी है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि कोफिशियंट वाला पार्ट हमको पता था, इसलिए इतना जल्दी कर पाए। कोफिशियंट वाला पार्ट पता नहीं रहे तो मान लीजिए a प्लस बी पे पावर 16 बोल दिया, यहां पर a प्लस बी पे पावर 16 बोल दिया, तो ऐसा ट्रायंगल हम 15 को नहीं ना बनाएंगे, उतना ना समय रहेगा ना जगह रहेगा। आप देखिए पावर 6 बोला था, इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5 तक बनाए, तब छठा अपने आप निकल के आया। 5 तक बनाए तो छठा वाला अपने आप निकल के आया। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पावर 6 नहीं रखे, 16 रहता तो 15 को बनाने नहीं ना जाते, बहुत झंझट होता।
तो इस पे भी एक तरीका है, और वो तरीका मिल जाने के बाद पूरा फॉर्मूला हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग को किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो हम आपको दिखलाते हैं। यहां तक आगे बढ़ने से पहले हम आपको पूरा बात समेट दे रहे हैं, सुनिए। बाइनोमियल थ्योरम में क्या कर रहे हैं हम लोग? बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी बाइनोमियल टर्म, यानी दो टर्म्स वाला कोई पॉलीनोमियल, उस पर कोई भी पावर रहे, 5 रहे, 6 रहे, ध्यान रहे पॉजिटिव पावर रहना चाहिए, और पावर में भी आपको होल नंबर आना चाहिए, 0, 1, 2, 3 ऐसा नंबर। 3/2 नहीं चलेगा, 5/7 नहीं चलेगा, -3 नहीं चलेगा, -2 नहीं चलेगा, होल नंबर चलना चाहिए। तो किसी भी बाइनोमियल टर्म पे कुछ पावर हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे करें, बड़े बड़े पावर का एक्सपेंशन कैसे करें, वो हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं, उसी के आधार पर a+b का पावर 6 लिखे हैं, और हम आपको एक नया फॉर्मूला देने जा रहे हैं। फॉर्मूला में एक कॉम्पोनेंट बचा हुआ है, उसको बताने के बाद फॉर्मूला समअप करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी फॉर्मूला पर आधारित। आपको बता दें, ये जो फॉर्मूला आएगा पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। आपको बता दें, 2-3 बात आपको याद रखना है। पावर जितना है एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा टर्म है, फर्स्ट टर्म का पावर घटता है, सेकेंड टर्म का पावर बढ़ता है, और कोफिशियंट अभी तक हम लोग इस तरीके से निकाल रहे थे, जो कि बहुत लेंदी माना जा रहा है। कुछ आसान तरीका खोजते हैं। देखिए, पावर 4 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो, 2 वाले में कोफिशिएंट था 1, 2, 1, 2 वाले में कोफिशिएंट था 1, 2, 1, 1, 2, 1, फिर 3 वाले में कोफिशिएंट था 1, 3, 3, 1, ठीक। एक मिनट, पावर 4 वाले के लिए हम लोग देखेंगे 1, 4, 6, 4, 1। तो इसमें हम आपको एक पैटर्न दिखला रहे, एक तरीका दिखला रहे। हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन आप लगा कर देखिएगा तो आपको मिलेगा ये 2C0, ये मिल जाएगा 2C1, ये है 2C2। आप इनको सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो आपको 2C0 का वैल्यू मिलेगा 1, 2C21 का वैल्यू मिलेगा 2, 2C1 का वैल्यू मिलेगा 2, और 2C2 का वैल्यू मिलेगा 1। यानी ये जो 1-1 है, 1-1 है, उसका कॉम्बिनेशन से कोई नाता है। क्या नाता है? कि ये जो 1 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2C0, इसको लिख सकते हैं 2C1, इसको लिख सकते हैं 2C2, ये है। फिर इस 1 को लिख सकते हैं 3C0, इसको लिख सकते हैं 3C1, ये है 3C2, और ये है 3C3। इस एक को लिख सकते हैं 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। एक मिनट, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, और ये 4C4। तो ये जो कॉम्बिनेशन है और कोफिशिएंट जो है उनमें ये रिलेशन है, इसीलिए आपको कॉम्बिनेशन सिखाए थे। आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन हो गया, एक वीडियो पूरा देख लिए और अभी तक आए कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लीजिए ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल है। ये जो हम लोग कोफिशिएंट लिख रहे हैं
वो ऐसे फॉर्मूला से निकल रहा है, ऐसे आ रहा है। और आपको एक पैटर्न दिखलाते हैं, यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनोखा पैटर्न है। पैटर्न ये कि पावर 2 है, अगर पावर 2 है, अगर इंडेक्स 2 है, तो इन तीनों सी के ऊपर में देखिए 2 है, यहां पर भी 2, और नीचे में हम लोग स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2, 2 पर जाके रुक जाना है। इंडेक्स 2 है तो 2 पर रुक जाना है। पैटर्न समझना जरूरी है। ऊपर में तीनों ही जगह पर 2 है। क्यों है 2? क्योंकि यहां पर 2 था। और नीचे में हमेशा 2 है क्या? नहीं, नीचे में तो बढ़ रहे हैं। कहां से बढ़ रहे हो? 0 से बढ़ रहे हैं सर। कहां तक जा रहे हो? 2 तक जा रहे हैं सर। क्या ये सब में हो रहा है? हां सर, सब में हो रहा है। इंडेक्स अगर तीन है तो 3 देखिए सब जगह है, चारों टर्म्स के सी में ऊपर में 3 है, 1 2 3 4, चारों में ऊपर में 3 है। और नीचे 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 1 2 3, इंडेक्स 4 है, पांचों जगह ऊपर में 4 है, स्टार्ट किए हैं 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है ऐसा। तो आप समझदार हैं। अगर पावर 5 रहता तो हम कोफिशिएंट ना लिख के लिख रहे हैं। पहला बात तो ये है कि सभी जगह, सबसे पहले कितना टोटल टर्म्स होता? पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितना होगा? बोलो, मन में आंसर लाओ, टोटल टर्म्स कितना होगा अगर 5 है तो? हाँ, टोटल टर्म्स 6 होगा, मतलब 6 टर्म्स यानी 6 कोफिशिएंट। और 6 में ये वाला जो पार्ट होगा उस सभी में सी के ऊपर में 5 होगा, सभी में सी के ऊपर में 5 होगा। क्यों 5 होगा? अरे यही पैटर्न चलता है। इंडेक्स 4 है तो सी के ऊपर 4, 3 है तो सी के ऊपर 3, 2 है तो सी के ऊपर 2। अगर एन रहता तो, पावर की जगह पर एन रहता तो सी के ऊपर एन लिखते। अगर एम रहता तो सी के ऊपर एम लिखते। अगर एप्पल रहता तो सी के ऊपर एप्पल लिखते। जो भी पावर है वो सी के ऊपर आएगा और नीचे बढ़ेगा। कहां से? 0 से। कहां तक? तो जितना पावर है वहां तक, यानी 0 1 2 3 4 5 तक ये कोफिशिएंट हो जाता। 6 वाले में क्या होता? 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, ऐसे करते 6C6 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, कोफिशिएंट का भी फंडा पता चल गया। कोफिशिएंट के लिए भी एक नया नियम पता चल गया, अगर पावर 17 है ना तो 16 को लिखने का जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे 17C0, अगला होगा 17C1, फिर होगा 17C2, फिर होगा 17C3, ऐसे करते 17C17 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एक आखिरी आपके सामने कर रहे हैं। अगर a प्लस बी पे पावर 7 होता मेरे भाई, a प्लस बी पे पावर 7, इसका एक्सपेंशन करने के लिए कहा जाता, तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखेंगे। पहले तो ये सवाल, कितना टर्म्स होगा इसमें? टोटल कितना टर्म्स होगा? टोटल होगा 8 टर्म्स। आओ कोफिशिएंट लिखते हैं। तो जो पहला कोफिशिएंट है वो होगा 7C0, फिर होगा 7C1, फिर होगा 7C2, फिर होगा 7C3, फिर होगा 7C4, फिर होगा 7C5, इसके आगे दिखेगा, हाँ 7C6, फिर 7C7, 7C8 दिख जाएगा, 7C7। फिर a का पावर घटाएंगे,
पहला टर्म का पावर घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट होगा? 7 से स्टार्ट होगा। ए का पावर 7, ए का पावर 6, ए का पावर 5, ए का पावर 4, ए का पावर 3, ए का पावर 2, ए का पावर 1, नहीं कुछ गलत हुआ, 7, 6, अरे हमें इसको क्यों लिखना है भाई, हाँ ए का पावर 0, देखो गलती किए थे, बढ़ते हुए 7 तक ही जाना है, हम गलती 7 लिख दिए थे। B का पावर घटेगा मेरे भाई, B का पावर 0, B का पावर 1, B का पावर 2, B का पावर 3, B का पावर 4, B का पावर 5, B का पावर 6, B का पावर 7, ऐसा। अब बीच में सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस कर देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस वाले में चर्चा हम लोग करेंगे, फिलहाल प्लस है तो पूरा प्लस कर देते हैं। यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आया प्लस, प्लस ठीक है। अब समेट रहे हैं 7C0 आपको तो बताए हैं कि NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो 7C0 का वैल्यू 1 होगा, 7C01, B का पावर 01, यानी यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा A का पावर 7 प्लस 7C1। कॉम्बिनेशन 7 का फैक्टोरियल बटा 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल, इसका कोई वैल्यू नहीं है, और 7 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को दैट नंबर इंटू उससे 1 कम का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 7 का फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा सर। तो 7C1 का वैल्यू है 7, तो यहाँ आ गया 7, A का पावर 6, B का पावर 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आओ आगे बढ़ते हैं, 7C2 यानी 7 का फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी 7 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इंटू 1। कोई पूछा कि सर आप 5 का फैक्टोरियल तक ही क्यों गए, तो क्योंकि हमको नीचे 5 का फैक्टोरियल लिखा था, हमको मालूम था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 का फैक्टोरियल में रुके हैं। 2 इंटू 1 2 होगा, ये 2 इसको काटेगा, दिस विल बी 21, तो यहाँ आ गए 21, ए का पावर 5, बी का पावर 2। यहाँ पर 7C3 बताते हैं, 7C3 बोले तो 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3, जल्दी कर रहे हैं, 7 माइनस 3 बोले तो 4 का फैक्टोरियल बाजू में 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल को खोलेंगे और तब रुक जाएंगे जब 4 का फैक्टोरियल मिल जाए, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाता है 6, ये 6 इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। तो 7C3 का वैल्यू है 35, A का पावर 4, B का पावर 3। उसके बाद 7C4 यानी 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, आप पाएंगे कि ये भी 35 आता है, तो दिस विल बी 35 ए क्यूब बी का पावर 4। वैसे ही आप इसको इसको और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताते हैं कि ये जो कोफिशेंट है ना और ये जो कोफिशेंट है, ये दोनों सेम होगा, ये जो है ना और ये जो है, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा और ये दोनों भी सेम होगा। तो देखो ये दोनों सेम आ गया है, 35 आ गया है, ये कितना आया था 21, तो ये भी 21 ए स्क्वायर बी का पार 5 होगा, 21 के पहले क्या था 7 ए बी का पार 6 और आखिरी में तो 1 था, हो गया, तो ये एक्सपेंशन आ गया।
कुछ जगह यहाँ पर समझदारी करेंगे। देखो हम आधा निकालें, हम 35 तक निकालें और फिर जो हमको मालूम था कि रिपीट करता है तो हम वैसे लिख दिए। तुम लोग चेक करके देखना, वही चीज़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लीजिए रेडी है a प्लस बी का पावर 7, a प्लस बी का पावर 7 आपके सामने रेडी है और अब हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है फॉर्मूला लिखने के लिए। फॉर्मूला लिखने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो अब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला आ रहा है। जैसे इन जनरल कर रहे हैं इसको, इन जनरल यानी कि पावर अभी तक हम लोग 6, 7, 5 करते आ रहे थे, पावर n कर दिए, पावर n कर दिए। कोफिशियंट लिखे, कोफिशियंट आपको ध्यान होगा, कोफिशियंट में आपको ध्यान होगा कि जो भी पावर रहता है c के ऊपर वही रहता है, लेकिन c के नीचे जीरो से स्टार्ट करना है। तो पहला होगा एन सी ज़ीरो, अगला होगा एन सी वन, अगला होगा एन सी टू, अगला होगा एन सी थ्री और आखिरी होगा एन सी एन। एन तक जाना है मेरे भाई, एन तक जाना है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते एन तक जाना है। फिर ए का पावर घटता है, कहाँ से घटता है, तो पावर से घटता है, पावर है यहाँ एन, ए का पावर एन, फिर उससे एक कम, ए का पावर एन माइनस वन, फिर उससे एक कम, ए का पावर एन माइनस टू, फिर उससे एक कम, ए का पावर एन माइनस थ्री, फिर लास्ट में ए का पावर। सुनो एक और बात, एक और बात देखो, तुम देख रहे होगा कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ए का पावर बन रहा है। एन माइनस जीरो करें, एन माइनस जीरो विल बी एन, एन माइनस वन इसका पावर बना, एन माइनस टू इसका पावर बना, एन माइनस थ्री इसका पावर बना। तो इसका पावर कौन बनेगा, एन माइनस एन, और एन माइनस एन बोले तो जीरो। हाँ आखिरी में जीरो भी आना चाहिए, आखिरी में जीरो आना चाहिए सर, तो जीरो आ गया है। बी, बी का पावर बढ़ेगा, बी का पावर जीरो, बी का पावर वन, बी का पावर टू, बी का पावर थ्री। ठहरो 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 ठहरो, यहां पर भी एक पैटर्न दिख रहा है। नीचे में जो C के नीचे में जो नंबर है, C के नीचे में जो नंबर है वही नंबर B का पावर बन रहा है। जीरो है तो B का पावर जीरो, एक है B का पावर एक, दो है B का पावर दो, तीन है B का पावर तीन, अरे N है तो B का पावर क्या होगा, N होगा। लीजिए यही है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये है। इसी को बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कह सकते हैं। हमारा चैप्टर इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूम रहा है, यही फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला अब आपको आपके दिमाग में बैठ चुका है, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये तो बैठ गया है, ये तो सीखे हैं हम लोग, सीखे हैं कि कोफिशेंट कैसे लिखना है, सीखे हैं कि ए पर पावर घटता है, सीखे हैं कि बी पर पावर पड़ता है, सीखे हैं कि बीच में प्लस होता है, इतना चीज सीखे हैं तब जाके ये रेडी हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बॉक्स में डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। तीन सवाल आपके सामने हम बना के दिखलाते हैं, तीन। चलिए हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 10 सवाल मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम पर, और वो सवाल वैसा ही होगा जैसा भी हम बनाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में सीखना, अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा, आधा घंटा तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो 15 मिनट और बने रहिए, सीख लीजिए और जाकर क्वेश्चन को बना ही लीजिएगा, तो आपका सीखना और मेरा सिखाना पूरा सार्थक हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल दिया गया है, कहा जाता है एक्सपैंड
एक्स प्लस टू वाई का पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। एक्स प्लस टू वाई का पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करिए कहा जाता है। ठीक है, लीजिए कर रहे हैं। एक्स प्लस टू वाई पे पावर 5, मेरा पहला सवाल, पावर 5 है तो कितना टर्म्स होगा? 6 टर्म्स होगा। और कोफिशियंट में जो सी आता है, कॉम्बिनेशन वाला सी आता है, उसके माथे पर क्या होगा जो इसके माथे पर है 5? पहला होगा 5C0, अगला होगा 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। फिर x पे पावर घटेगा, कहां से घटना स्टार्ट होगा? 5 से। x का पावर 5 x का पावर 4, x का पावर 3। अरे पैटर्न देखो ना भाई, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2x का पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, इन दोनों का डिफरेंस यानी 0। और सेकेंड टर्म का पावर बढ़ेगा, इस बार सेकेंड टर्म में 2y है, इस बार सेकेंड टर्म में 2y है मेरे भाई, तो 2y ले लेते हैं, 2y ले लेते हैं। ये आ गया 2y का पावर 0, 2y पे पावर 1, 2y पे पावर 2। अरे पैटर्न देखो ना भाई, c के नीचे में जो नंबर है ना वही पावर बनेगा। 0 है तो 0 बना, 1 है तो 1 बना, 2 है तो 2 बना, 3 है तो क्या बनेगा? 3। 4 है तो क्या बनेगा? 4। 5 है तो क्या बनेगा? 5। और बीच में घुसा दीजिए प्लस, बीच में घुसा दीजिए प्लस। इसके बाद अब थोड़ा सॉल्व करना है, यहाँ पर रफ पार्ट कर रहे हैं आपको हम बता दें, आप जब सॉल्व करिएगा तो 5C0 आपको मिलेगा 1, 5C1 आप सॉल्व करके पाएंगे 5, 5C2 मिलेगा 10, 5C3 मिलेगा 10, 5C4 मिलेगा 5, 5C5 मिलेगा 1। आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो यही चीज़ मिलने वाला है, यही वैल्यूज आपको मिलने वाला है, ये आपको निकालने आता है। कुछ क्वेश्चंस बना के तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 5C0 की जगह पर 1, x का पावर 5 और इसके जगह पर 1, 5C1 की जगह पर 5, x का पावर 4 और इन पर 2y पे पावर 1 है, पावर 1 यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 2y। 5C2 का वैल्यू है 10, यहाँ पर 10, एक्स क्यूब यहाँ पर है और स्क्वायर ना है, स्क्वायर तो दोनों पे ना जाएगा, 2 पे भी जाएगा, वाई पे भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 2 का स्क्वायर होता है 4 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर 5C3 का वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर ठीक है, ये जो क्यूब है, ये जो पावर 3 है, ये दोनों में बटेगा, 2 को भी मिलेगा वाई को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा वाई को भी, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है 2y, पर दूर में भी कैमरा है 2y, 2 को भी 3 मिल रहा है पावर, वाई को भी 3 मिल रहा है, 2 का पावर 3 हो जाता है 8, तो ये हो गया 8x का क्यूब। यहां पर बाकी नीचे लिख रहे हैं, ये आ गया 5x, 4 मिलेगा, 2 का पावर 4 हो जाता है 16, यहाँ 1, x का पावर 0 1 और 5 पावर गया तो 2 का पावर 5 हो जाता है 32। अब जहां जहां नंबर्स है, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे, यानी x y को एक साथ रखेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 × 1 1 होगा और 1 × x का पावर 5 x का पावर 5, तो ये x का पावर 5 हो गया। 5 × 2 हो गया, 5 × 2 हो गया x का पावर, सॉरी 5 × 2 हो गया 10, x का पावर 4 y, 10 × 4 हो गया 40, x क्यूब y स्क्वायर, 10 × 8 हो गया 80, x स्क्वायर
यहाँ गलती ना किए हैं, यहाँ वाई क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 5 इंटू 16, 16 बचे 80, एक्स वाई का पावर 5, सॉरी 4, और यहाँ पर 32 वाई का पावर 5, दिस इज आवर आंसर। ये आ गया एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन आया, ये आया है एक्स प्लस 2y का पावर 5 का एक्सपेंशन, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है भाई, इसको एक्सपैंड किए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। हम एक बार समझा रहे हैं आपको, और 5 देखे हैं ना पावर, 5 देखे हैं तो पहले कॉम्बिनेशन वाला बैठाएं, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, एक्स का पावर घटाएं हैं, वाई का पावर बढ़ाएं हैं, फिर इन सभी का वैल्यू निकाल के डालें हैं, बाकी को सॉल्व किए हैं, बाकी बेसिक मैथमेटिक्स जो आप 10 तक सीख कर आए हैं, मल्टीप्लिकेशन और अरेंजमेंट, और उतना करने के बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए। चलो आगे करते हैं, एक और करते हैं, इस बार ना, इस बार बीच में नेगेटिव घुसा के करते हैं, नेगेटिव देखो तो नेगेटिव वाले में क्या होता है, ले लेते हैं सॉरी एक्स माइनस वन बाय एक्स, इस पे पावर 4, उसको एक्सपैंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बीटी, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आपको इसको एक्सपैंड करना है, बीच में माइनस है और कुछ विशेष नहीं है, बीच में माइनस रहता है ना मेरे भाई, तो एक सिंपल रूल जान लो, साइन बैठाने समय हम लोग क्या करते हैं, साइन बैठाने समय हम लोग सबको पॉजिटिव कर देते थे जब पॉजिटिव रहता था, पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव रहता था तो सारे टर्म्स के बीच में प्लस साइन घुसा देते थे, लेकिन जब माइनस है तो अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी एक के बाद एक क्रम के अनुसार हम लोग प्लस माइनस देंगे, ऐसा क्यों वो भी बता देते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा, अगर प्लस है तो सभी प्लस होगा, कारण अभी तुरंत पता चलेगा। ऐसा है कि इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस माइनस वन बाय एक्स पे पावर 4, देखो समझदारी की है कि नहीं, समझदारी की है, इसको ना प्लस वाले में कन्वर्ट कर लिए हैं, इसको प्लस वाले में कन्वर्ट कर लिए हैं, माइनस वाले को प्लस वाले में कन्वर्ट कर लिए और आगे बढ़ रहे हैं, पावर 4 है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट लिखते हैं जिससे कि कोफिशियंट मिलता है, कॉम्बिनेशन यानी सी वाला पार्ट, सी के ऊपर में क्या होगा, सी के ऊपर में होगा 4, सी के ऊपर में होगा 4, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, पहले वाले टर्म का पावर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, कहां से, 4 से, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0, देखो हम इस पैटर्न पे बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस, ये पहले वाले का पावर बनता है, 4-1 पहले वाले का पावर, 4-2 दूसरे वाले का पावर, 4- पहले वाले का पावर, 4-3 पावर, 4-4 पावर, और अब दूसरे वाले पे पावर बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा 4 तक जाएगा, यानी -1/x पे पावर 0, यानी -1/x पे पावर 1, यानी -1/x पे पावर 2, -1/x पे पावर 3, -1/x पे पावर 4, सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता दें कि 4C0 का वैल्यू आ जाएगा 1, 4C1 का वैल्यू आ जाता है 4, 4C2 का वैल्यू आ जाएगा 6, 4C3 का वैल्यू आ जाएगा 4,
फोर सी फोर का वैल्यू आ जाएगा वन। ये वैल्यूज आप निकालिएगा, यही मिलने वाला है। समय और जगह बचाने के लिए हम ये आपको लिख कर दे दिए हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। हमको ये याद हो गया, आपको भी बनाते बनाते याद हो जाएगा। हाँ, फोर सी जीरो का वैल्यू है वन, एक्स का बार चार, किसी भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पावर जीरो है यानी वन आएगा। अच्छा, उससे पहले इनके बीच में कौन सा साइन है? प्लस है, तो प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, प्लस प्लस। किसी भी नंबर में पावर जीरो एक होगा तो एक कर दिए प्लस। फोर सी वन का वैल्यू है फोर एक्स क्यूब। और देखिए, ये जो पावर वन है इस पे गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो माइनस है इसके पास, ये माइनस अपना भेज देगा बॉर्डर के पार और ये इस प्लस से भिड़ जाएगा। माइनस और प्लस भिड़ कर माइनस बन जाएगा, गुना एक बटा एक्स, वन बाई एक्स। फिर यहाँ पर प्लस लिखें। फोर सी टू का वैल्यू है छः, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर यानी कि दो बार मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस वन बाई एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस वन बाई एक्स से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वन बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फोर सी थ्री का वैल्यू है फोर, यहाँ आ गया एक्स और क्यूब। देखिए, इतना तो आप समझदार हो गए होंगे कि आपको पता होगा कि किसी भी नेगेटिव टर्म पे अगर नेगेटिव टर्म है उस पे पावर ऑड हुआ ना तो ये भी नेगेटिव मिलता है, लेकिन पावर इवन हुआ तो ये पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिव पर टर्म पे पावर ऑड हुआ तो ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव टर्म पे पावर इवन हुआ तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर पावर ऑड है, तीन है, यानी कि माइनस वन बाई एक्स तीन बार मल्टीप्लाई होगा, साइन तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा और यहां आ जाएगा वन बाई एक्स क्यूब। फोर सी फोर का वैल्यू वन, इसका वैल्यू भी वन, इसका वैल्यू वन, और पावर चार है। नेगेटिव टर्म पे पावर इवन रहने पर पॉजिटिव हो जाता है। आप ऐसे भी देखिए, माइनस अगर चार बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाएगा, और चार बार वन बाई एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये वन बाई एक्स का बार चार बन जाएगा। इसको सॉल्व करें, समेट के लिखें बढ़िया से। अगर एक्स का पावर चार ई कटा फोर एक्स स्क्वायर, ई कटा पूरे पूरा प्लस छः माइनस, ई काटेगा इसको दो बार में, माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का पावर चार। ये आ गया हमारा एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन है? तो ये है एक्स माइनस वन बाई एक्स का पावर चार का एक्सपेंशन। अब इसको आप ऑब्जर्व करिए, हम यही कहे थे शुरू में कि अगर नेगेटिव साइन रहे तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा देना है। ये आप याद रख लीजिए, अल्टरनेट साइन चढ़ा देना है, बस अल्टरनेट साइन चढ़ा देना है, यही है। एक और सवाल बना देते हैं। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर सात, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर सात। इसको एक्सपैंड करना है थोड़ा जल्दी। पहले कोफिशिएंट बैठाते हैं, सेवन सी फोर सेवन सी फाइव
7C6, 7C7, ये कोफिशियंट आके रेडी हो गया। फिर पहले टर्म पे पावर घटेगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस बार हम वो नहीं किए, इस बार हम लोग चालाकी करेंगे। नेगेटिव है ना, तो पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर है, बस साइन हम लोग अल्टरनेट लेकर चलेंगे। पिछले बार जैसा किए थे वो सिखाने के लिए किए थे, उसमें समय लगता है, माथा बची है, गलती होने का चांसेस है। आप यहाँ सीख लीजिए, बीच में बाइनोमियल दोनों टर्म्स के बीच में अगर माइनस है तो अल्टरनेट साइन लगा देना, इसको पहला टर्म मान लेना, इसको दूसरा टर्म मान लेना। दूसरे टर्म पे पावर क्या होता है, दूसरे टर्म पे पावर मेरे भाई, दूसरे टर्म पे पावर घटता है। एक्स स्क्वायर पे पावर 0, एक्स स्क्वायर पे पावर 1, एक्स स्क्वायर पे पावर 2, अच्छा गलती बोल दिए, दूसरे टर्म पे पावर बढ़ता है, एक्स स्क्वायर पे पावर 4, एक्स स्क्वायर पे पावर 5, एक्स स्क्वायर पे पावर 6, एक्स स्क्वायर पे पावर 7। थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है, लिखना भी पड़ रहा है क्योंकि एक ही लाइन में सबको हटाना चाहते हैं। अब जो है वो साइन बीच में क्या है, प्लस की माइनस, माइनस है तो अल्टरनेट जाएंगे, पहला पॉजिटिव होगा हर बार, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, बस हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, कर ही देते हैं, 7C तुम लोग कर लो, यही तो करना है नंबर, मेरा कैलकुलेशन तुम लोग के कोई काम का नहीं है, यहाँ तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फिर इसके आगे तो तुम लोग बना लो, तुम लोग खुद जितना कैलकुलेट करोगे ज़्यादा बढ़िया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो 10 क्वेश्चन हम दिए हैं असाइनमेंट में उसको बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, 10 क्वेश्चन है, बनाइए, बनाकर आप नीचे दिए गए नंबर पर जमा करिए, बनाकर PDF बनाइएगा उसका और सबमिट करिए मेरे पास, ताकि हम चेक कर पाएँ। कोई तरह का परेशानी होने पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आज के क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।